हाय गाइस, माय नेम इज़ जी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक वेबसाइट पे कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, आप आर्टिकल भी अच्छा लिखते हैं, एसईओ भी प्रॉपर करते हैं, मगर उसके बावजूद आपका आर्टिकल गूगल पे जल्दी इंडेक्स नहीं होता या इंडेक्स फेल हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है? हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गूगल पर किसी भी आर्टिकल को इंडेक्स करने के लिए उस आर्टिकल का, उस वेबसाइट पेज का लोड जितना लाइट होगा, जितना इजी होगा, उतनी ही ज़्यादा साइट आपकी जल्दी इंडेक्स होगी और इंडेक्स होने के साथ साथ वो गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगी। लेकिन इसकी वजह क्या है कि कोई भी साइट, वेबसाइट जो है वो गूगल पर इंडेक्स क्यों नहीं करती? अगर वो जल्दी लोड नहीं होती तो उसकी वजह क्या है? रिसेंटली गूगल ने अपनी वो सारी टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो शो की हैं कि जिनकी बेसिस पे कोई भी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकती है। उनमें से चंद एक आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपकी साइट का लाइट वेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा थीम्स हैं जो आपने इंस्टॉल की हैं, लेकिन क्योंकि आप थीम तो एक ही यूज़ करते हैं, तो बाकी के एक्स्ट्रा थीम्स आपकी साइट पे एक बर्डन है, लोड है, तो आज की वीडियो में हम उन थीम्स को डिलीट करना सीखेंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी वर्डप्रेस साइट्स के एक्स्ट्रा थीम्स को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अपने ब्राउज़र को, तो हमने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के साथ ही ओपन करेंगे डैशबोर्ड। आप अपने वर्डप्रेस साइट के डैशबोर्ड में जाएंगे और जाने के साथ थीम्स पर क्लिक करेंगे। जो ही हम थीम्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी हमारे इंस्टॉल्ड थीम हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो अभी हम इनको वन बाय वन क्लिक करेंगे और मोर इन्फॉर्मेशन में जाके डिलीट और उसको डिलीट को कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से गाइस, हम जितने भी एक्स्ट्रा थीम्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि एक्टिव तो एक ही थीम होगा ना, तो बाकी सारे थीम्स को हम डिलीट करेंगे ताकि हमारी साइट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सके। तो आप देख सकते हैं सभी थीम्स को मैंने डिलीट कर दिया और एक लास्ट थीम रहता है वो भी मैंने डिलीट किया। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक जो हमारा एक्टिव थीम है, शिफा थीम, वो रह जाएगा। और शिफा थीम क्योंकि एक्टिव है, उसके बाद बात आती है प्लगइन्स की। तो प्लगइन्स को सिंपली आप उसको डीएक्टिव करें और डिलीट कर दें ताकि आपकी साइट हो लाइट वेट, और अगर के साइट लाइट वेट है तो इंडेक्स जल्दी होगी और रैंक जल्दी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।